हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेवन लर्निंग। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी की। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, जो हमारे OBE सेमेस्टर एग्जाम्स हैं दिसंबर 2020 में होने वाले हैं, तो उन एग्जाम्स के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से हमारे साथ शेयर की गई हैं। तो आइए हम उन गाइडलाइंस को देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन जो है वो शेयर किया गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, जो हमारे एग्जाम्स हैं थर्ड, फिफ्थ और सेवन्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के, और वहीं जो हमारे एसेंशियल रिपीटर्स हैं जिनके फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम्स हैं, साथ ही कुछ स्टूडेंट्स जो अपने एग्जाम्स में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं उनके एग्जाम्स, और साथ ही जो हमारे एक्स स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम्स जो कि सेमेस्टर एग्जाम्स हैं, वो दिसंबर 2020 में 12 तारीख से शुरू होने वाले हैं। तो जैसा कि इस बारे में काफ़ी और नोटिफिकेशन भी शेयर किए गए थे, जिसमें साफ साफ इतना बता दिया गया था कि आपके 12 दिसंबर 2020 से जो एग्ज़ाम्स हैं वो कंडक्ट कराए जाएंगे, और साथ ही जो हमारी टेंटेटिव डेट शीट है वो भी रिलीज कर दी गई थी 5 नवंबर को। तो जैसा कि आप यहाँ देख ही सकते हैं, तो जैसा कि आप सभी टेंटेटिव डेट शीट देख सकते हैं, तो जैसे ही आप इस लिंक पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तब आप देखेंगे कुछ आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा, जहाँ पे जिन स्टूडेंट्स ने अपना एडमिशन लिया था 2019 में उन सभी स्टूडेंट्स की यहाँ डेट शीट है, और जिन स्टूडेंट्स ने अपना एडमिशन 2015 का है, 2016 का है, 17 या 18 का है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए डेट शीट यहाँ पर दे रखी है। तो जैसे ही आप किसी भी जो भी आपका प्रोग्राम है आप क्लिक करते हैं तब आपके सामने जो डेट शीट है वो ओपन हो जाएगी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। और जो इसका लिंक होगा वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, तो वहां से जाके आप अपनी डेट शीट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और अब ये थर्ड पॉइंट हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे एक्स स्टूडेंट्स हैं या जो एसेंशियल रिपीटर्स हैं या वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया है, तो जो भी हमारे एक्स स्टूडेंट्स हैं उनको जो रिस्पेक्टिव डेट शीट जो कि मैंने आपको दिखाई, वो डेट शीट उनको फॉलो करनी पड़ेगी एज देयर ईयर ऑफ एग्जामिनेशन। उनका एग्जाम कब हुआ था तो उस बेस पे उनको अपनी जो डेट शीट है वो देखनी होगी। तो ये आपकी डेट शीट जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो डेट शीट है वो आपके सामने शो हो जाएगी। और साथ ही जो हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिनको एसेंशियल रिपीटर्स के नाम से अवॉर्डेड किया गया, उनकी मार्कशीट्स में वो स्टूडेंट्स भी रीअपियर कर सकते हैं जो कि डेट शीट आई है उसके अनुसार, लेकिन अपने फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम्स के साथ। तो जो हमारे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिनको एसेंशियल रिपीटर्स के तौर पर अवॉर्डेड किया गया उनकी मार्कशीट्स में, वो स्टूडेंट्स भी रीअपियर कर सकते हैं अपने एग्जाम्स, लेकिन उनको अपने थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम्स के साथ उनको रीअपियर करना होगा। एंड द स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड इन देयर फाइनल ईयर, जो कि सिक्स सेमेस्टर में स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पास कर लिया है अपने एग्जाम्स में, जो हमारे 2020 में एग्जाम्स हुए थे अभी कुछ टाइम पहले, तो वो अपियर कर सकते हैं स्टूडेंट्स अपने इम्प्रूवमेंट में, लेकिन सिर्फ फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम्स के लिए। तो अगर कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम पहले दिए थे वो अपने फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम्स के लिए इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो वो स्टूडेंट्स कर सकते हैं। और साथ ही जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में यानी कि जिनका फिफ्थ सेमेस्टर है जिन स्टूडेंट्स का, तो वो स्टूडेंट्स अपने थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम्स के लिए रीअपियर कर सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो स्टूडेंट सेकेंड ईयर में यानी कि जिन स्टूडेंट्स का थर्ड सेमेस्टर है वो अपने फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स के लिए अपियर कर सकते हैं। तो होपफुली आप ये समझ ही गए होंगे। और साथ ही अब जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम देना चाहेंगे तो वो इंश्योर कर लें कि जो उन्होंने एग्जामिनेशन फॉर्म है वो अपना फिल्ड कर दिया हो। तो जैसे कि आप सब जानते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म की लास्ट डेट है वो निकल चुकी है, तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरा है सिर्फ वही स्टूडेंट जो एग्जाम्स हैं दिसंबर में होने वाले हैं वो दे सकते हैं। और साथ ही जो आपके इन एग्जाम्स के एडमिट कार्ड हैं वो आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएंगे आपके एग्जाम से कुछ टाइम पहले ही। तो जैसे कि आप जानते हैं 12 दिसंबर को आपके एग्जाम है, तो उससे पहले ही आपके जो एडमिट कार्ड है वो आपको रिलीज कर दिए जाएंगे, और फिर आप अपनी डाउनलोड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट से, साथ ही उसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। और साथ ही जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये एडवाइस भी किया जाता है कि वो सभी स्टूडेंट्स अपने कॉलेज के अपने इंस्टीट्यूट के कांटेक्ट में रहें और अपनी यूनिवर्सिटी में भी अगर हो सके तो वो विजिट करते रहें, अदरवाइज कॉलेज जो आपके होंगे जो आपके इंस्टीट्यूट हैं वो अपनी ऑफिशियल ईमेल से
ऑफिशियल कॉलेज की वेबसाइट से या उनके एसएमएस सर्विस है या जो कुछ भी मैसेजिंग एप्स होंगी जो भी होगा, लेकिन जो उनका ऑफिशियल होगा आपकी यूनिवर्सिटी का, उससे जो भी आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी स्टूडेंट्स को सेंड होती रहेगी। और साथ ही सभी कॉलेज को भी एडवाइस किया जाता है कि जो उनके नोडल ऑफिसर्स की जो भी ईमेल आईडी है या जो भी उनका कॉन्टेक्ट नंबर है वो सभी अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जो है वो अपलोड कर दें, ताकि स्टूडेंट्स को अगर किसी भी तरीके से प्रॉब्लम होती है अपने एग्जामिनेशन डेज में, कोई भी उनको क्वेरी होती है, तो वो अपने नोडल ऑफिसर से कर सकें। तो अगर आप सभी स्टूडेंट्स को आपके एग्जाम से पहले कुछ क्वेरी होगी तो आप अपनी कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर अपने आप अपने नोडल ऑफिसर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही बात आती है आपके एग्जाम की, तो जब आप स्टूडेंट्स अपने एग्जाम देंगे तो आपको जो अपना एग्जाम्स के आंसर होंगे वो आपको A4 साइज पेपर पे आपको लिखने होंगे, और आपको अपने ईच पेज पे जो पेज नंबर होगा वही मार्क करना होगा, तो आपको आपके ईच पेज पे पेज नंबर लिखना होगा। तो जो ये बातें आप हैं वो ध्यान में रखें आपको A4 साइज पर, और साथ ही हर एक पेज पर आपको पेज नंबर भी लिखना होगा। और साथ ही जो आपका फर्स्ट पेज होगा, जब आप अपना एग्जाम देंगे तो जो भी आपका फर्स्ट पेज होगा आपके फर्स्ट पेज पे आपको डेट एंड टाइम लिखनी होगी आपके एग्जाम्स की, साथ ही आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर लिखना होगा, आपका प्रोग्राम लिखना होगा कि आप कौन सा प्रोग्राम के हैं, आप कौन सा एग्जाम दे रहे हैं, आपको सेमेस्टर लिखना होगा, आपको आपका यूपीसी कोड लिखना होगा, आपको आपके पेपर का टाइटल लिखना होगा कि आपके पेपर का टाइटल क्या है, आपके कॉलेज का नेम क्या है, आपकी खुद की ईमेल आईडी क्या है और आपका खुद का मोबाइल नंबर क्या है, आपको ये सब कुछ ये फर्स्ट पेज पे लिखनी होगी। और साथ ही जो आपका एग्जाम का ड्यूरेशन होगा वो आपको 4 आवर्स का दिया जाएगा। जी हाँ, तो जिसमें से आपके 3 आवर्स होंगे आपके एग्जाम के, तो आपको 3 आवर्स में अपना जो एग्जाम है वो अपने आंसर्स हैं वो आपको आपकी शीट पर लिखने होंगे, और जो बाकी का 1 आवर है वो आपको आपके क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के लिए, साथ ही जब आप अपने एग्जाम्स के जो आंसर शीट है आप उसको स्कैन करेंगे और जब उसको अपने पीडीएफ फॉर्मेट में लाएंगे, और साथ ही आपके जो स्कैन पीडीएफ होंगे उसको अपलोड करने के लिए आपको दिया जाएगा। यानी कि आपको 3 घंटे में आपका एग्जाम लिखना होगा, और आपको बाकी बचे हुए 1 घंटे में जो भी आपकी आंसर शीट होंगी वो आपको आपके पोर्टल पर अपलोड करनी होगी स्कैन करके और आपके क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके। लेकिन जो हमारे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स होंगे, जो कि दिव्यांग कैटेगरी के कैंडिडेट्स होंगे, उनको एग्जाम्स के लिए 6 आवर्स दिए जाएंगे। साथ ही आप यहाँ पर इम्पोर्टेंट भी देख सकते हैं, तो जैसे कि अगर आपका इंटरनेट पुअर चल रहा है, जो किसकी कनेक्टिविटी है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे हैं, तो उसके लिए उसकी वजह से अगर जो आपका एग्जाम है वो आप जो अपनी पीडीएफ है वो अपलोड नहीं कर पाते अपने पोर्टल पर, तो उसके लिए जो आपको मैक्सिमम टाइम लिमिट दी जाएगी जो कि 60 मिनट्स की होगी, और फिर जो आपको 60 मिनट्स और एक्स्ट्रा दिए जाएंगे जो कि आपका सबमिशन जिसमें डिले हो जाएगा, तो उन स्टूडेंट्स के जो एग्जाम होंगे, जो एग्जाम की आंसर शीट होगी वो रिव्यू कमेटी को सौंप दी जाएगी, तो फिर वो डिसीजन लेंगे कि आपका जो एग्जाम है वो उन्हें किस तरीके से इवेल्युएट करना है। तो जो आप सभी स्टूडेंट्स से मैं इतना ही कहूंगी कि जो भी आपको आपके एग्जाम की आंसर शीट को आपको अपलोड करना है वो आप उन 4 घंटों के बीच ही अपना काम जो है वो कर दें, जो भी आपकी आंसर शीट होगी जो आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया जाएगा वो आप उसमें ही अपलोड कर दें, बाकी के 60 मिनट्स ना ही लें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आप बाकी के 60 मिनट्स लेते हैं आप डिले हो जाते हैं अपने सबमिशन करने में, तो जो आपका एग्जाम की आंसर शीट है वो आपके रिव्यू कमेटी को दे दी जाएगी, और फिर वो उसके बेस पे जो आपका एग्जाम की आंसर शीट होगी वो उसके मार्क्स को इवेल्युएट करेंगे। साथ ही आप सभी स्टूडेंट्स को एक अंडरटेकिंग भी आपको सबमिट करनी होगी, जिसमें आप मतलब आपका ये कहना होगा कि आप कोई भी गलत तरीके से आप जो अपना एग्जाम है वो नहीं दे रहे हैं, कि आप अपने एग्जाम देने में किसी भी गलत तरीके का यूज नहीं कर रहे हैं। तो जो आपकी अंडरटेकिंग होगी वो आपको एक बटन को प्रेस करके देनी होगी, तो जब भी आप अपना अपलोड जो भी आप की पेजेस हैं जो भी आपके पीडीएफ हैं जब आप उनको अपलोड करेंगे तो उससे ही पहले वहां पर आपको कोई बटन प्रोवाइड होगा उसको आपको प्रेस करना होगा, तो जो एक तरीके से आपकी अंडरटेकिंग होगी। और साथ ही जो परफॉर्मा होगा आपका अंडरटेकिंग का वो भी आप सभी स्टूडेंट्स को अवेलेबल हो जाएगा आपकी स्टूडेंट्स, और साथ ही जो आपको परफॉर्मा होगा अंडरटेकिंग का वो भी आप सभी स्टूडेंट्स को अवेलेबल हो जाएगा, तो जहां से आप सभी स्टूडेंट्स अपना एग्जाम का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे वो आपको वहां पर शो हो जाएगा, और आपको वो अंडरटेकिंग पहले सबमिट करनी होगी, और तब जाके आप अपनी स्कैन कॉपीज को अपने स्कैन आंसर शीट्स को आप वहां पे अपलोड कर पाएंगे। और साथ ही आप सभी स्टूडेंट्स को अपने एग्जाम्स के लिए अपियर होना चाहिए, ताकि आप किस तरीके से अपना एग्जाम फॉर्म ताकि आप किस तरीके से अपना एग्जाम देंगे
यानी कि किस मोड में आप अपना एग्जाम देंगे, जो कि फिजिकल मोड होगा जो कि आप अपने कॉलेज में जाके एग्जाम देंगे, या जो आपका रिमोट मोड से एग्जाम होगा जो कि आप घर से दे सकते हैं, तो आपको वो आपका मोड भी सिलेक्ट करना होगा। तो अगर आप अपना फिजिकल मोड से एग्जाम देंगे जो कि आपका कॉलेज में जाके एग्जाम होगा, या आप रिमोट मोड से एग्जाम देंगे जो कि आपका घर में रह के एग्जाम होगा, तो उसके लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शंस आप दिए गए हैं, तो जैसे कि वो भी देख लेते हैं। तो जैसे कि आप स्टूडेंट अपना अगर रिमोट मोड से एग्जाम देते हैं, तो आप अगर अपनी कंट्री में कहीं भी हैं तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जब अपना एग्जाम है वो दे सकते हैं। लेकिन आप सभी स्टूडेंट्स को जरूरत होगी आपके लैपटॉप की, आपके डेस्कटॉप की, आपके मोबाइल फोन की, या जो भी अप्रोप्रिएट डिवाइस होगा जिसमें आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी हो अच्छे से, ताकि जो आपका क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम का वो आप डाउनलोड कर सके, और साथ ही जो आपके यहाँ शीट होगी उसको आप अपलोड कर सके अपनी यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर। और साथ ही स्टूडेंट्स को स्कैन करनी होगी अपना आंसर शीट, क्वेश्चन वाइज स्कैन करनी होगी, ऐसा नहीं है कि आप उल्टा सीधा कुछ भी स्कैन कर ले। और साथ ही आपको अपलोड भी करनी होगी पीडीएफ फाइल के फॉर्मेट में अपने ओबीए पोर्टल पर। और जो भी आपका फाइल होगा, ईच आंसर शुड बी विद इन द 7 MB लिमिट। तो जो आपके ईच आंसर का फाइल साइज होगा वो ज्यादा से ज्यादा 7 MB तक हो सकता है। और आप ध्यान रखें, जैसे आप अपना पीडीएफ जो भी है वहां अपलोड करेंगे, तो याद रहे उस पे किसी भी तरीके का पासवर्ड ना लगाओ। अगर आपका पासवर्ड वहां पे लगा होगा तो वो आपका जो आंसर शीट है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। साथ ही जो आपकी एक्नोलेजमेंट होगी वो आप सभी स्टूडेंट्स की आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आपको सेंड कर दी जाएगी, आपके जब आप अपने आंसर शीट को सबमिट कर देंगे उसके बाद। तो जो एक तरीके का एक्नोलेजमेंट होगा वो आपको दे दिया जाएगा कि आपने जो अपना एग्जाम आंसर शीट है वो आपने अपलोड कर दी है। और साथ ही याद रहे, जो स्टूडेंट्स ऑप्ट करेंगे रिमोट मोड से एग्जाम देना, वो स्टूडेंट्स फिजिकल मोड से फिर जो है अपियर नहीं कर सकते हैं। तो फिर उन स्टूडेंट्स को जो अपना एग्जाम होगा वो रिमोट मोड से ही देना होगा, ऐसा नहीं है कि वो अपने कोई बचे हुए एग्जाम या कोई और एग्जाम वो अपने फिजिकल मोड से दे पाएंगे। तो जो स्टूडेंट्स फिजिकल मोड से एग्जाम देंगे, तो उन स्टूडेंट्स को जो आंसर शीट होगी वो अपनी अपने कॉलेजेस में अपने इंस्टीट्यूट में जाकर ही वहां पर लिखनी होगी। तो जो भी आपका सीटिंग का प्लान होगा उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी कॉलेज और इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड किया जाएगा आपके एग्जाम देने के लिए। साथ ही सभी स्टूडेंट्स को आईसीटी फैसिलिटीज दी जाएंगी, साथ ही आपको आपके कॉलेज की ओर से कंप्यूटर भी दिया जाएगा, ताकि आप जो अपने क्वेश्चन पेपर उसको डाउनलोड कर पाए, आपके आंसर शीट्स को स्कैन करके आप उन्हें अपलोड कर पाए आपके ओबी पोर्टल पर। और साथ ही याद रहे, जो भी स्टूडेंट्स अपना फिजिकल मोड से एग्जाम देंगे उनको अपना A4 साइज पेपर अपना आंसर्स के लिए ले जाना होगा। और जो स्टूडेंट्स फिजिकल मोड से एग्जाम देने के लिए ऑप्ट करते हैं, तो वो स्टूडेंट्स अपियर भी कर सकते हैं रिमोट मोड से अगर वो चाहें तो। और याद है, जो भी अपनी आंसर शीट्स अपलोड करेंगे वो आप सिर्फ ओबी ही पोर्टल पर ही अपलोड करें, उसके बावजूद अगर आप किसी और पोर्टल पर अपलोड करते हैं तो वो आपकी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो जब भी आप अपनी आंसर स्क्रिप्ट जो भी आपके आंसर शीट है जब आप उसको सबमिट करेंगे, जो कि वो भी पोर्टल का यहाँ पे लिंक भी दे रखा है, आपको इसी लिंक पर जाकर अपने जो आंसर्स हैं वो अपलोड करने होंगे। तो वहां पर जो भी आपको स्टेप्स मेंशन किए गए होंगे आपको उसके अनुसार अपलोड करना होगा। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये आपका पोर्टल है जहाँ पर आपको आपका जो एग्जाम की आंसर शीट है वो आपको अपलोड करनी होगी। तो जो भी स्टेप बाय स्टेप यहाँ दे रखा है वो आप यहाँ देख लें। और साथ ही आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी बात है, जो कि आपके मॉक टेस्ट के पेपर हैं वो आपके ओबीई पोर्टल पर अवेलेबल हो जाएंगे आपके एग्जाम होने से 1 वीक पहले। तो ये आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल होगा कि आपको किस तरीके से आपके जो एग्जाम है वो होंगे, तो जो भी आपके टूल्स होंगे, जो भी आपका एप्लीकेशन होगा, आपको उनका किस तरीके से यूज करना है, आप किस तरीके से अपने एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को आप डाउनलोड कर सकेंगे, कैसे आप अपलोड कर सकेंगे, तो वो सभी आपको इन मॉक टेस्ट पेपर के थ्रू पता लग जाएगा। तो जो भी आपके मॉक टेस्ट पेपर हो ये आप सभी स्टूडेंट्स दें, ताकि ये आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहे। और जो भी आपकी डेट शीट का जो भी पोर्टल है वहां पर आप अपनी डेट शीट देखेंगे, तो जब आपकी डेट शीट में जो भी आपके एग्जाम की डेट दे रखी है उसी वक्त उसी टाइम पर उसी दिन आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा आपके ओबी पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। वहां से आप उसे एक्सेस कर सकते हैं, वहां से आप अपने जो एग्जाम के क्वेश्चन पेपर है उसको वहां से देख सकते हैं। तो जो भी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो ये टेंटेटिव डेट शीट का जो लिंक है, साथ ही जो आपका ये ओबी पोर्टल का जो लिंक है, मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, वहां जाके भी आप इन अपने लिंक्स को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं।